तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप थंबनेल देखकर तो जान ही गए होंगे कि आज की एडिटिंग किस तरह होने वाली है। इस तरह की एडिटिंग करने के लिए आपको चार ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है स्नैपचैट, दूसरा लाइटरूम, तीसरा है ऑटोडेस्क स्केचबुक, चौथा है पिक्सआर्ट। इस तरह की एडिटिंग यूट्यूब पर काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी, वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। चलिए हम बिना देरी करते हुए एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। जिस फोटो को आपको एडिट करना है उसको पहले स्नैपशीट के अंदर ले जाएंगे। स्नैपशीट के अंदर इस फोटो को लेकर आ चुका हूं मैं। टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहां पर आपको ट्विन इमेज वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एम्बिनेंस को +50 कर देंगे, सेचुरेशन को -माइनस कर देंगे, सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। टूल्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे, सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पर जाएंगे। आपको जहाँ जहाँ पर स्किन काली दिख रही हो उसको थोड़ा सा गोरा कर देंगे। हमारा फेस हो चुका है गोरा, सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आप यहां पर बिफोर आफ्टर देख सकते हैं कि फ़ोटो में काफ़ी बदलाव आ चुकी है। फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे, आप यहां पर डिटेच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, इसको -20 कर देंगे। करने के बाद टूल्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे, आप यहाँ पर लेंस ब्लर वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देंगे, ब्लर स्ट्रेट को कर देंगे +40 कर देंगे, ट्रांसिशन को -माइनस कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे। जहां पर आपकी फोटो है वहां पर इसको ले आएंगे और सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आप यहां पर फोटो को सेव कर लीजिए। हमारी फोटो सेव हो चुकी है। अब व्यू एडिट पर जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे जिससे हमारी पहले वाली फ़ोटो आ जाए। टूल्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे, डबल एक्सपोजर जो हमने फ़ोटो सेव की थी अब उस फोटो को ले आकर आ जाएंगे। यहाँ पर इस फोटो को लाने के बाद इसको कर देंगे फुल, सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, व्यू एडिट पर जाएंगे, डबल एक्सपोजर एडिट जिसे हम पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर देंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए वीडियो को थोड़ा सा कर देंगे कट, जो कि हमारे पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। अब सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, बैक आ जाएंगे। अब हमारी स्नैपशीट के अंदर फोटो तैयार हो चुकी है। अब इस फोटो को लेकर जाएंगे लाइटरूम पर, जो कि हमारी फोटो लाइटरूम के अंदर आ चुकी है। अब हम लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, हाईलाइट को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, शैडो को थोड़ा सा इंक्रीज। फिर यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, मिक्स टूल वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। आप यहाँ पर ग्रीन वाला टूल दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे, ह्यू को पूरा माइनस कर देंगे, सेचुरेशन को भी माइनस पूरा। येलो वाले पर आ जाएंगे, ह्यू को भी पूरा माइनस, सेचुरेशन को माइनस, क्योंकि हमारी फ़ोटो देख रहे हैं आप इसमें काफ़ी अच्छा लुक आ चुका है। अब स्किन वाले पर आ जाएंगे, इस पर सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, एल्यूमिनेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे जिससे हमारा फेस काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और गोरा भी। और फिर वाले इस ब्लू वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, थोड़ा सा माइनस, सेचुरेशन को थोड़ा सा प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद डन कर देंगे। करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे,
इसको कम कर देंगे क्लैरिटी को, और डीएज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे जिससे हमारा बैकग्राउंड थोड़ा ब्लू कलर हो जाएगा। डिटेल वाला ऑप्शन पर आ जाएंगे, शार्पनिंग वाले ऑप्शन पर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और मास्किंग को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, नॉइज रेडिएशन को बढ़ा देंगे। अब लाइट रूम के अंदर हमारी फ़ोटो हो चुकी है अब तैयार। अब इस फोटो को लेकर जाएंगे ऑटोडेस्क स्केच बुक। स्केच बुक के अंदर इस फोटो को लाने के बाद ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फ़ोटो को स्मूथ करने के लिए हम इस वाले ब्रश के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसकी सेटिंग आप देख लीजिए, आप इस तरह की सेटिंग कर लीजिए जिससे आपकी एडिटिंग थोड़ा, इसको फ्लो को थोड़ा सा प्लस कर देंगे। फिर बैक आ जाएंगे, साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिएगा आप। आप देख रहे हैं हमारी फोटो स्मूथ हो रही है, जितने दाग धब्बे हैं यहाँ पे खत्म हो जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं चोट का निशान है, इसको हम गायब कर देंगे। जो कि यहाँ पर जो निशान था यहाँ पे गायब हो चुका है। इसी तरीके से हम पूरे फोटो को स्मूथ कर लेंगे। हमारी फोटो स्मूथ हो चुकी है, अब इस फोटो को लेकर जाएंगे पिक्सआर्ट के अंदर। इस फोटो को लाने के बाद मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कुछ पीएनजी का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पीएनजी का यूज मैं इस फोटो में करने वाला हूं। चलिए हम पीएनजी को लेकर आते हैं। इसको जहां पर आप सेट करना चाहे वहां पर सेट कर लीजिए, और जितना बड़ा छोटा करना चाहे कर लीजिए। ब्लेंड वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, इसको कर देंगे स्क्रीन, जिससे इसका पीछे का बैकग्राउंड हट जाएगा। फिर इस वाले फ़ोटो पर आ जाएंगे, इसको आप बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद इसको भी ब्लेंड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इसको भी स्क्रीन कर दीजिए। स्क्रीन करने के बाद आप यहाँ पर इरेजर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जितने आपके शर्ट पर पड़े हुए हैं ये डॉट डॉट, इसको हटा दीजिए। हटाने के बाद सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर से ऐड वाले फोटो पर जाएंगे। इस पीएनजी का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा जहां पर आप इसको रखना चाहें। रखने के बाद हमारी फ़ोटो हो चुकी है तैयार। यहाँ पर इसको सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर समझ में आई हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए एक और नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं।